रसूल अकरम को नबी बनने की शहादत हासिल की, इस पर रसूल इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। रसूल अकरम इमाम हुसैन के लिए कह रहे हैं कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। मैं कहूंगा चिराग ही क्यों कहा है रसूल ने, तो अगर समझने पर आए तो अपनी इंसानी यहाँ पहुंचती है। चिराग की हकीकत ये है, चिराग की फितरत ये है, चिराग का नेचर ये है, चिराग की प्रकृति ये है। इसलिए की कि जब ये रोशन होता है, जब ये जलता है तो इससे रोशनी निकलती है, और फिर ये फर्क नहीं करता। जब ये दिया जलता है तो ये भेदभाव नहीं करता, ये अपना और पराया नहीं देखता। इसकी रोशनी जैसे अपने के लिए होती है वैसे ही पराये के लिए होती है, जैसी अहले वतन के लिए होती है वैसी ही मुसाफिर के लिए होती है। ये ना नस्ल देखता है, ये ना धर्म देखता है, ना मजहब देखता है, ना रंग देखता है, ना वो देखता है। अल्लाह मोहतरम, इसीलिए इस चिराग हिदायत से जब रोशनी फैलनी शुरू हुई तो हमारे नेशन का फादर ऑफ नेशन रेस्पेक्टेड महात्मा गांधी वो कहते हैं मैदान आजादी में खड़े होकर सम्मानित महात्मा गांधी कह रहे हैं, राष्ट्रपिता कह रहे हैं हमारे कि अगर मैंने दस इंकलाब क्रांति का दर्द कहीं से लिया है तो मैदान करबला में हुसैन से लिया है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर मेरे पास हुसैन के जैसे, हुसैन के साथियों के जैसे 72 साथी होते तो मैं इस हिंदुस्तान को फकत 24 घंटों में आजाद करा देता। महात्मा गांधी कह रहे हैं, फादर ऑफ नेशन कह रहे हैं। अच्छा, ये महात्मा गांधी है, एक और हस्ती है, एक और रेस्पेक्टेड पर्सन है, वो कौन है? वहां गुरु नानक, पूरी दुनिया जानती है उन्हें, ये गुरु नानक है, माहे मोहर्रम है। इन्होंने अपने शिष्य से कहा, अपने चेले से कहा कि शिष्य हमें हुसैन मनाया करो, अगर हुसैन मनाया करो। उसने कहा क्यों गुरु? गुरु नानक से शिष्य पूछ रहा है कि मैं तुम्हें हुसैन क्यों बनाऊं? गुरु नानक कहते हैं मैं तुझे कहता हूं जा फला गलत काम कर, क्या तू करेगा? गुरु नानक चेले से कह रहे हैं, शिष्य से कह रहे हैं मैं तुझे कहता हूं जा तू फला गलत काम, बड़ा काम कर, गलत काम कर, तू करेगा? वो कहता है नहीं। इन्होंने कहा मैं तो तेरा गुरु हूं, फिर तू करता क्यों नहीं? इसने कहा मेरा जमीर इजाजत नहीं देता। गुरु नानक ने कहा इसी जमीर का नाम हुसैन है। इंसान के बढ़ते हुए कदम बुराई की तरफ जो चीज रोकती है उस चीज का नाम हुसैन इब्ने अली है। और याद रखें पैगाम इत्तेहाद है, पैगाम हुसैन इत्तेहाद है, पैगाम हुसैन सच्चाई के लिए लड़ना है, पैगाम हुसैन हक के लिए आवाज बुलंद करना है। और क्यों ना हो, इत्तेहाद इन्होंने समझाया, कैसे समझाया कि
हुसैन के नाना फतेह मक्का के बाद मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो सबसे पहला काम जो किया है नबी अकरम ने इस्लाम के वजूद में आने के बाद पहला काम जो किया है ब्रदरहुड का किया है, पहला काम जो किया है ब्रदरहुड का किया है, भाईचारा कायम करवाया है, एक जैसे को एक जैसे का भाई बनाया है। और इसी फतह मक्का के बाद की तारीख है कि नबी अकरम अपने घर से निकले हैं, मोहम्मद साहब अपने घर से निकले हैं। इस अरब की एक खातून है, एक महिला बुजुर्ग है, जो मुसलमान नहीं है नॉन मुस्लिम है, उसके सर पर जो है लकड़ियों का गट्ठर है, उस गैर मुस्लिम महिला के सर पर लकड़ियों का गट्ठर है, वो इसकी हैसियत से ज्यादा है, इससे उठ लेना। एक मरतबा मोहम्मद साहब देखते हैं सैयदुल मुर्सलीन देखते हैं, ये जितने का पहला आदत देखता है अपने अव्वल देखता है, उसके अव्वल देखता है, अजमैर का नाला देखता है, महाराज का बाबा देखता है। अजीजान मोहतरम की उस औरत से उस महिला से वो बोझ नहीं उठ रहा, ये आगे बढ़ के उस गैर मुस्लिम महिला से कहते हैं ऐ माँ ऐ अम्मा अगर आप इजाजत दे तो ये बोझ मैं आपका उठा लू और आपके घर तक पहुंचा दू। अजीजों में नॉन मुस्लिम महिला है, कहती है बेटा बहुत खूब तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो, रसूल ने उसका बोझ कांधे पे लिया, अब आगे आगे रसालत है, पीछे पीछे वो गैर मुस्लिम महिला है नॉन मुस्लिम स्त्री है। अजीजों अब रसूल आगे आगे चल रहे हैं, अब इस औरत ने कहना शुरू किया क्योंकि ये शयातीन की हकीकत है, ये खामोश नहीं रहती, ये इतने कहना शुरू किया कि भाई तुम किसी बहुत अच्छे माँ बाप के पाले हुए लगते हो, किसी बहुत अच्छे रोज के तरबियत याफ्ता लगते हो, तुम्हारा घर को भी आला मालूम होता है, इसलिए कि भारत के जाहिर माहौल में ऐसा मुद्दा को किरदार नहीं मिलता। अभी सदाएं थे, अभी इतने आगे बढ़ते अपने दिल के हाल कहने शुरू किए, इसने कहा बेटा तुम अच्छे तो बहुत हो लेकिन देखो अरब में एक जादूगर आया हुआ है, वो लोगों पे जादू करता है, वो परेता कर देता है और जब वो सुनाता है वो बोलता है तो लोग उसके मजाक को कबूल कर लेते हैं, उसके जादू के बहकावे में आ जाते हैं और उसका नाम मोहम्मद है। रसूल अकरम सुनते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक मरतबा उस जरीफा का घर आया, उस औरत का घर आया, रसूल घर में उसके नीचे गए, लकड़ियों का गट्ठर रखा, वापस निकलने लगे। जरीफा ने कहा जाने वाले अपना नाम तो बता दे, रसूल जवाब नहीं दे रहे। वो जरीफा वो औरत दरवाजे पे हाथ रख के खड़ी हो गई कि जब तक नाम ना बताओगे जाने नहीं दूंगी। एक मरतबा नबी ने मुस्कुरा के कहा जिस मोहम्मद को तू याद कर रही थी मैं वही मोहम्मद हूँ, जिस मोहम्मद को तू फिक्र कर रही थी थी मैं वही मोहम्मद हूँ। बसान मोहतरम अब इसने नाम मोहम्मद सुना, फिर गाय मोहम्मद को देखा, इसकी आंखों में से पर्दा हटा, इसने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मैं गुमराही में थी, मेरी आंखों पे पर्दा था, मैंने अब देखा कि जब आपका किरदार ऐसा है तो आपका मजाक कैसा होगा, जब आपका किरदार ऐसा है तो आपका मजहब इस्लाम कैसा होगा। ऐ मोहम्मद मुझे अपने दीन का कलमा पढ़ाए, ऐ मोहम्मद मुझे अपने खुदा का कलमा पढ़ाए। और इंसाने मोहतरम वो कल की काफिरा थी, वो कल की नॉन मुस्लिम थी, लेकिन आज कलमा ना के मुसलमान हो गई और तलवार की तरफ से नहीं बल्कि किरदार की धार से मुसलमान हो, किरदार के दम पर मुसलमान हुई है। अल्लाह मोहतरम यह किरदार इस्लाम है, यह किरदार इस्लाम है जिसे रसूल अकरम समझा रहे हैं। और इसके बाद
جب یہ وراثت چلی اتحاد کی امان کی معاذی کی شفاعت کی یہ وراثت آگے بڑھی تو یعنی ابن ابی طالب کے پاس آئی. علی ابن ابی طالب میدان میں ہے جنگ کر رہا ہے ایک مرتبہ مرد مقابل کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی میدان میں مرد مقابل کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اس نے ہاتھوں بند کر لی کہ ابھی تلوار علی چلے گی ذوالفقار علی چلے گی میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا. لیکن ایک لمبا وقت گزر گیا اس پہ کوئی حرف نہیں آیا. اس نے بند آنکھوں میں سے ایک گوشہ کھول کے دیکھا تو ابو طالب کا وارث محمد کا وارث ہاتھ باندھے ہوئے ٹہل رہا ہے. پوچھا یعنی آپ نے مجھ پہ حملہ نہیں کیا؟ یعنی آپ نے میرا سر تن سے جدا نہیں کیا؟ کہا تم نہیں جانتا ہم نہتوں پہ وار نہیں کرتے. ہم نہتوں پہ وار نہیں کرتے. اب اس نے بات بنتی ہوئی دیکھی اس نے کہا علی آپ فرزند عمران ہیں آپ محمد کے بھائی ہیں آپ وسیع محمد ہیں کیوں نہ اپنی تلوار مجھے دے دو. قسم خدا کے اقرار محترم کتنا بڑا سپاہی ہو لیکن جنگ کے میدان میں لڑائی کے دوران اپنا اسلحہ خیرات نہیں لے سکتا. یہ واحد سپاہی علی کہ جس نے میدان جنگ میں اپنا اسلحہ قاتل کو خیرات کر دیا. تلوار دیکھ لی نے اپنے اٹھانا چاہتا ہے لیکن تلوار اتنی نہیں. اس نے پوری قوت لگا لی لیکن تلوار نہیں اٹھ گئی. ایک مرتبہ کہتا ہے علی آپ تو اسے انگلیوں میں چلاتے تھے میرے پورے بدن کی قوت سے نہیں اٹھ گئی. کہتے ہیں میں نے تجھے تلوار دی ہے ہاتھ نہیں لیا. تلوار دی ہے ہاتھ نہیں دیا. اجلال محمد سمجھتا ہوں تلوار دی ہے ہاتھ نہیں دیا. اب یہ آگے کہتا ہے علی جب آپ تلوار مجھے دے رہے تھے تو آپ کے ذہن میں ایک لمحہ بھی خوف نہیں آیا کہ اگر یہ تلوار میں نے اٹھا لی حملہ کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو نہتوں تھے. آپ ہی تو نہتوں پہ وار نہیں کرتے. میں تو کر سکتا تھا. علی نے کہا سن ہم تلوار کے بھروسے پہ جنگ نہیں لڑتے ہم مالک کے بھروسے پہ لڑ سکتے ہیں. ہم تلوار کے بھروسے پہ جنگ نہیں لڑتے ہم مالک کے بھروسے پہ جنگ لڑتے ہیں. اس نے یہ کردار دیکھا انداز دیکھا کہا یا علی اتنا بھروسہ ہے اپنے مالک پہ اتنا بھروسہ ہے اپنے اللہ پہ؟ کہا ہاں اتنا بھروسہ ہے اپنے اللہ پہ. اس نے ایک دم کہا یا علی میں بھی اس اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یا علی میں بھی اس اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بس علی خان محترم ایک آخری فقرہ یہ کردار علی ہے. مختل تھا میدان قتال تھا لیکن علی نے اپنے کردار سے اسے مدرسے میں تبدیل کر دیا. علی نے اپنے کردار سے محکم کو مدرسے میں تبدیل کر دیا. تو علی جان محترم یہ پیغام علی ہے کہ اگر دنیا علی کے کردار کو لے کے چلے گی علی کے کردار کو فالو کر کے چلے گی تو محکم مدرسے میں تو ہوئے نظر آئیں گے اور اگر علی کے کردار میں چھوڑ دے گی تو مدرسے محکم آتے ہوئے نظر آئیں گے. محترم یہ ایام آج کا دن اسلام عاشورہ ہے. ایک آخری فقرہ کہ آپ دیکھیں ہر مذہب کا انسان موجود ہے ہر انسان موجود ہے لیکن جو حقیقت ہے کہ جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو مسلمان مسجد میں جاتا ہے جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو عیسائی اپنے گرجا گھر میں جاتا ہے کرسچن اپنے چرچ میں جاتا ہے ہندو مندر میں جاتا ہے یہ مذہب ہے. لیکن اگر کسی عیسائی کے پڑوس میں کوئی مسلمان رہ رہا ہو اور اس مسلمان کا جوان بیٹا مر جائے تب عیسائی یہ نہیں دیکھے گا کہ میں عیسائی ہوں بلکہ افسوس ظاہر کرنے جائے گا پرزا دینے جائے گا. اگر کسی ہندو کے پڑوس میں کوئی عیسائی رہ رہا ہو اس کا جوان بیٹا
बच्चा मर जाए तो अब वो ये नहीं देखेगा कि मैं हिंदू हूँ ये ईसाई है, नहीं वो इजहार अफसोस करने जाएगा, ताजिया देने जाएगा, उनका देने जाएगा। अनुदान मोहतरम ये चीज जो अफसोस करने के लिए लेके जा रही है इसका नाम है इंसानियत। जो चीज अफसोस के लिए ले जा रही है इसका नाम इंसानियत है, और इस इंसानियत का दूसरा नाम हुसैनियत है। इस इंसानियत का दूसरा नाम हुसैनियत है। अंजान मोहतरम दस इंसानियत इमाम हुसैन ने दुनिया को दिया, अंजान मोहतरम दस इंसानियत मोहम्मद साहब ने दुनिया को दिया, दस इंसानियत अली इब्न अबी तालिब ने दुनिया को दिया। अंजान मोहतरम जब मोहम्मद मुस्तफा सफर में मक्का पे आए हैं तो उस वक्त हालत क्या थी, आपने इतिहास में पढ़ा, तारीखों में पढ़ा कि अरब में वो जाहिल अरब अपनी औलादों को जिंदा जमीन में दबा दिया करते थे, एक एक जरा जरा सी बातों के वर्षों बरस जंग चला करती थी। लेकिन उधर मोहम्मद मुस्तफा आए हैं, इन्होंने ऐसा इतिहास कायम किया कि ये अरब अपनी जहालत भूल गए। लेकिन अजान मोहतरम तारीफ कहती है कि उधर सरकार गए हैं और कुछ लोग फिर अपना जो है अपना किरदार भूल गए। अजान मोहतरम तारीफ कहती है कि मोहम्मद मुस्तफा के आने से पहले अरब बहुत जाहिल थे, लेकिन फिर भी उनमें चंद रसूल थी, कुछ परंपरा थी जिन्हें ये बखूबी निभाते थे। वो तीन परंपरा होती है रसूल आपके सामने और फजल रहमत अजान मोहतरम पहली रही लेकिन इनकी कि कितनी खबरदार जंग चल रही हो, लेकिन अगर कोई करीब कोई पक्ष अपने नामालूद बच्चे को दूध पीते बच्चे को लेके आ जाए तो सामने वाला करीब फौरन जब रोक देता था कि देखो ये अपने नामालूद बच्चे को लेके मैदान में आया है, अब इस पर तलवार खत्म कर दिया मैंने। दूसरी रत्न क्या थी, दूसरी रत्न यह थी कि अगर अगर कोई फरीक अपने नौशाह को अपने नए दूल्हे को मैदान में भेजते सेहरा बांध के तो जंग रोक दी जाती थी। तीसरी रत्न यह थी कि अगर किसी फरीक के खातून मैदान में आ जाए, किसी की माँ बहन बेटी मैदान में आ जाए, दूसरा फरीक फौरन जंग रोक देता था कि देखो उसकी माँ मैदान करी है, उसकी बेटी उसके लिए आई है, अब इस पर तलवार न उठाना। लेकिन अजीजो मैदान कर्बला में अरबों ने ये तमाम रस्में पामाल कर दी। अजीजो आप जानते हैं हुसैन इब्ने अली जब नामालूद अली असगर को लेके आए हैं और कहा है पैदाश किया, अगर मैं सतावार हूं इस छह माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे एक कतरा पानी का दे दो, पानी तो ना मिला बल्कि तीन फल का तीर, वो तीर चला अली असगर का गला चला, अजीब मेरे बच्चा ईमान के हाथों पे शहीद हो गया। दूसरी रस्म थी कि अगर दूल्हा मैदान में आ जाए तो जंग रोक दी जाती है। अजीब ईमान ने कासिम को मैदान में भेजा, एक रात के दूल्हे को मैदान में भेजा, अब जो दोबारा मैदान में आए तो उसे एक रात के दूल्हे की लाश है एक कतरे नुमा चादर में लपेट के उसे जा रहे हैं। और तीसरी रस्म थी अगर किसी फरीक की खातून मैदान में आ जाए तो फरीक जंग रोक देता था। लेकिन अजीबो ये भी देखा जमीन ने कि जनाब जनाब हुसैन की बहन 70 कदम पे, हुसैन की बेटी 4 कदम पे खड़ी रही, वास्ते देती नहीं नामार जालिम नामार मेरी माँ ने चक्किया पीस पीस के पाउडर उसे आलम नजीर बदल बात।